चौरी चौरा के भोपा बाजार चौराहे पर हुई तोड़फोड़ की घटना में शामिल मुख्य आरोपी पुलिस के दबाव में आकर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। 25 मार्च को चौरी चौरा के भोपा बाजार में हुई घटना का मुख्य आरोपी मनोरोजन यादव पुत्र केशव यादव निवासी शाहू कोल मिर्जापुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बताते चले कि 25 मार्च को कस्बा चौरी चौरा में तोड़फोड़ की घटना का मुख्य आरोपी घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था, जिसमें 70 से ज्यादा नामजद के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था तथा 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसमें 3 लोगों के ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर उसके घर, रिश्तेदारों तथा मिलने के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस के लगातार दबिश और तलाश के कारण अभियुक्त मनोरोजन यादव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था, जहां से न्यायालय ने मनोरोजन यादव को जेल भेज दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, धरना प्रदर्शन को दंगा बता दे रही है। चौरी चौरा में हुए उपद्रव के संबंध में वांछित एवं इनामी अपराधी मनोरोजन यादव ने पुलिस के दबाव और दबिश के चलते आज न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया था। अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।